हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस सेंटर। तो भाई, आपको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बताने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का A का पार्ट 1, ये बिल्कुल अभी ताजा ताजा स्टार्ट हुआ आज से ही, ठीक है। कर क्या रहे आप देखिए, स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल में देखिए, वैसे तो हम इस चैनल पर दो वीडियो अपलोड करते हैं, एक इंग्लिश ग्रामर का और एक स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश में हम क्या कर रहे हैं कि डेली, आज से डेली पंच पंच मीनिंग, आज A का 5 मीनिंग, कल B का 5 मीनिंग, बिल्कुल इस टाइप से मैं क्या करूंगा, अपलोड करवाऊंगा। अरे ऐसा मीनिंग जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब एक मेरा एक वर्ड स्पेलिंग है, लेकिन इसके लिए मैंने इतना सारा कुछ किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है 2 ऑप्शन पर, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा ताकि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेली डेली का डेली, अगर आपको हिम्मत है दोस्तों, आपके अंदर जज्बा है, तो आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगा और कुछ महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट खुद पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे डेली 5-5 मीनिंग करेंगे, इसके बाद तुरंत वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे, जैसे कि स्कूल में कैसे बात करते हैं, घर में कैसे बात करते हैं, होटल में कैसे बात करते हैं, तो एक टॉपिक उस टाइप से हो जाएगा और एक टॉपिक यहाँ पे मीनिंग के टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा स्पोकन इंग्लिश का ये का आज जो भी मैं स्पेलिंग पढ़ेंगे वो ये से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। और ये मेरा पार्ट 1 है, तो क्योंकि देखिए ए का स्पेलिंग 1000 हुआ, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, 5 को इसमें देखेंगे, फिर अगला में देखेंगे, फिर इस टाइप से हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, पहला नंबर पर एक स्पेलिंग है जिसको आप देख पा रहे हैं कि अबैक, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अबैक, ABAC के अबैक, अबैक मतलब होता है चकित होना। अब भाई चकित होना क्या है, चकित होना मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है, मतलब भावुक हो जाना। जैसे कि हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे सारा एग्जांपल लिया, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक मतलब था चकित होना। अब देखिए, आपको लग रहा हो कि ये वर्ब है, नहीं भाई ये वर्ब नहीं, एडवर्ब है। क्या है एडवर्ब? अब एडवर्ब यहाँ पे आपको जितने सारे मीनिंग बताएंगे, कहीं वर्ब दिखेगा, कहीं एडवर्ब दिखेगा, कहीं एडजेक्टिव दिखेगा। तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है, बस इसके बाद में वही वीडियो बताऊंगा दोस्तों कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप अभी समझ जाएं कि ये एडवर्ब है, ठीक है। अब एक मतलब होता है चकित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, और ये एडवर्ब है। अब देखते हैं कि इसका यूज किया कहाँ पे जाता है। हमने तो देख लिया कि अब एक मतलब चकित हो जाएंगे, जब भी कोई चीज देखेंगे जो कि हम लोग भावुक हो जाते हैं, उसी को वहां पे हम लोग यूज कर सकते। अब एक मतलब मैं अब एक हो गया, मैं भावुक हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। ये एडवर्ब है, वर्ब नहीं, एडवर्ब है, ठीक है। देखिए एडवर्ब क्यों, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वह अपना परीक्षा रिजल्ट देखकर चकित हो गया। अब इसका मतलब क्या कि वह अपना परीक्षा रिजल्ट देख करके चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, भावुक हो गया, ठीक है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया होता तो वह खुशी हो जाता, लेकिन भावुक हो गया, इसका मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मतलब घबराहट हो गया, ठीक है। तो ऐसा यूज जब भी करेंगे तो अबैक का यूज करेंगे कि वह अपना परीक्षा रिजल्ट देखकर चकित हो गया, ठीक है। तो ही वाज टेकन अबैक बाय हिज एग्जाम रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि कोई भी कहीं भी आप देख सकते हैं कि अबैक लगने से पहले यहाँ पे टेकन लगता है, ठीक है। अबैक लगने से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टेकन लगता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अबैक लगने से यहाँ पे भी टेकन लगा हुआ है और यहाँ पे भी अबैक लगने से यह लगा हुआ है। भाई ऐसा है क्या, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह अपना परीक्षा रिजल्ट देकर के चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो ही वाज टेकन अबैक बाय हिज एग्जाम रिजल्ट। ये पैसिव वॉइस है किसका, तो सिंपल पास्ट टेंस का। अगर आप मेरे एक्टिव पैसिव का वीडियो नहीं देखे तो वहां पर जाकर के देख ली। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ 10-20-30 वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना, इसके अदरवाइज आपको पढ़ना ही नहीं, ठीक है। बस वहीं से आपको इंग्लिश बोल भी लेंगे और आप लिख भी लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम और सीता चकित हो गए, कुछ देखा होगा, ठीक है, जिससे आपको वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो राम और सीता चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, भावुक हो गया, ठीक है। तो राम एंड सीता वर, ठीक है, राम एंड सीता वर टेकन अबैक, यहाँ पे भी टेकन लग गया, मैं आपको बताऊंगा क्यों लगा, ठीक है। टेकन अबैक, राम के व्यवहार के द्वारा सीता चकित हो गया, राम का कुछ व्यवहार ऐसा देखा जो कि सीता क्या हो गया, चकित हो गया। ये सारा पेशी है, ठीक है, बन ही रहा है पेशी में, तो हमें पेशी में ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सीता वाज टेकन अबैक बाय राम्स बिहेवियर, मतलब कि सीता वाज टेकन अबैक, सीता क्या हो गया, अबैक हो गया, मतलब कि उस चकित हो गया, बाय
किसका, राम का बिहेवियर को देख के, उसका व्यवहार को देख करके। ठीक है, अब भाई देखिए टेकन क्या है। तो टेकन एक भर्ब के रूप में आया है, जो टेकन होता है वो एक भर्ब के रूप में आता है। तो भाई भर्ब के रूप में ऐसा क्यों आता है, क्यों टपक गया? तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि जो अबैक है वो एडवर्ब है, और कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें भर्ब की जरूरत पड़ती है। एक चीज तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर ये नहीं पता था बेसिक क्लास मेरा जाकर के देखें इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए भर्ब की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, और ये भर्ब नहीं बल्कि एडवर्ब है। तो एडवर्ब से हम पहले में भर्ब की जरूरत पड़ती है, तो वही एडवर्ब से पहले भर्ब को भरने के लिए भर्ब के स्थान पर टेकन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी टेकन आ गया, यहाँ पे भी टेकन। तो आप एक चीज जिंदगी में ये बात को ध्यान रखें कि जब भी अबैक का बात आए, भावुक हो जाने की बात आए, आश्चर्यचकित की बात आए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, इससे पहले भर्ब के रूप में हम लोग टेकन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा मेरा एमेडोन है। ठीक है, दूसरा ABANDON एमेडोन। एमेडोन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, कोई भी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, जैसे मैं आज से पढ़ना छोड़ दूंगा, मतलब मैं त्याग दूंगा, इस टाइप से। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या भर्ब है। अब निश्चित सी बात है कि कोई भी चीज अगर भर्ब होगा तो उसका भर्ब का फॉर्म होता है भर्ब वन, भर्ब टू, भर्ब थ्री, भर्ब फोर, भर्ब फाइव, यानी V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, भर्ब का हमेशा ये होता है। तो क्यों ना जब हम अभी भर्ब को पढ़ रहे थे इसके साथ V1 भी देख ले, V2 भी देख ले, V3, क्योंकि YouTube चैनल पर आपको मीनिंग तो बता दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको V2 V3 इसका नहीं बताया जाता होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसको याद नहीं करना है, V1 V2 V3 याद नहीं करना, बस आपको एक बार देख लेना है कि इसका V2 और V3 क्या होता है, क्योंकि हर चीज का लगभग लगभग में ED जोड़ा होता है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना, बस आपको समझ आना है। ठीक है, और मैंने V2 V3 क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो हमेशा V2 और V3 का ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो एबोडन मतलब होता है त्याग देना। अब इसका एबोडन का अगर V1 बोले तो एबोडन ही होगा, V2 एबोडेंटेड हो गया। ठीक है, और तीसरा जो होगा इसको एबोडेंटेड हो गया। ठीक है, यानी ED, तो इसमें भी V1 V2 V3 देख लिया आप। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मतलब त्याग देना छोड़ देना, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने अपने देश को त्याग दिया। ठीक है, तो दे मतलब उन लोगों ने, ठीक है, दे एबोडेंटेड देयर कंट्री, क्या किया उन लोगों ने, अपना कंट्री को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए उसके बाद वह अपने घर को त्याग दिया। ठीक है, तो दे एबेंडेंट हिज हाउस, क्या किया उसने, अपने घर को त्याग दिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एबेंडोन मतलब त्याग देना, V2 V3 होता है। एग्जाम्पल आप देख लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। भाई देखने से काम नहीं चलेगा, आप कॉपी में, नोटबुक में क्या करो दोस्तों, आप कॉपी में आप लिख ले इसको, नोट डन कर ला, और इसको याद करो दोस्तों। एक दिन में 5 ही मीनिंग तो है दोस्तों, अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं एक क्लास का वीडियो और दूंगा दोस्तों, उसको भी आप जाकर के देखें। देखिए उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अवेश। भाई अवेश क्या है, तो अवेश मतलब होता है अपमानित करना। ठीक है, अपमानित करना मतलब किसी को अपमान कर देना। ठीक है, ये भी एक भर्ब है, तो निश्चित तौर पर ये भर्ब है, तो इसका V1 V2 V3 होता हुआ, तो V1 अवेश हो गया, V3 अवेस्ट, अवेस्ट। ठीक है, सिर्फ ये V2 V3 आपको देख लेना है। वह अपने माता पिता को पार्टी में शर्मिंदा कर दिया, तो शर्मिंदा कर दिया मतलब वही अपमानित कर दिया। मान लिया जाए कि वह पार्टी में गया होगा, शोर शराबा किया होगा, तो उसका माता पिता का नाम क्या हो गया, डूबा ना, तो वही वह अपने माता पिता को पार्टी में शर्मिंदा किया, यानी कि अपमानित कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही एब्सेंट हिज पेरेंट्स एट द पार्टी, पार्टी में उसने क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। वह राजा के सामने स्वयं शर्मिंदा हुआ, एक आदमी जो कि राजा के सामने स्वयं शर्मिंदा हो गया, मतलब अपमानित खुद को, देखिए अपमानित कर देना या तो अपमानित महसूस करना कि मैं शर्मिंदा हूं, या तो फिर किसी को शर्मिंदा कर देना, वही होता अवेश। वह राजा के सामने स्वयं शर्मिंदा हुआ, कुछ गलती किया होगा इसलिए शर्मिंदा हो गया। हम लोग गलती करते हैं तो 5 आदमी के सामने क्या करते हैं, अपने माथा को नीचे कर लेता, मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ही अवेस्ट, देखिए अब यहाँ पे वो स्वयं को शर्मिंदा हुआ ना, तो इसलिए ही अवेस्ट हिज सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द किंग, मतलब इन फ्रंट ऑफ द किंग मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। ठीक है, तो ही अवेस्ट हिज सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द किंग, मतलब वहां राजा के सामने क्या हो गया, अवेस्ट हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट देखिए 4, अवेश। अब इसके पहले में आप देखे होंगे अवेश वहां पे भी था, लेकिन यहाँ पे यस एच है, वहां पे यस ई था। ठीक है, बस इसमें ही कुछ फर्क है। ठीक है, ये अवेश मतलब था शर्मिंदा या तो फिर लज्जित, और ओ ABASE जो इसके पहले मैंने 3 नंबर में देखे उसमें था ABE
ABASE अवेस्ता, ठीक है, उसमें से अपमानित होना या अपमानित करना, लेकिन इसका स्पेलिंग है ABASH, अवेस्त मतलब शर्मिंदा या तो लज्जित। ये भी एक भर्ब है, तो इसका V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वह अपने भाई को पार्टी में शर्मिंदा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया तो लज्जित कर दिया, बात ही किए, तो ही अवेस्ट हिज ब्रोदर एट द पार्टी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने भी देखा था पार्टी में पेरेंट्स के लिए, तो था 3 नंबर लाइक 4 नंबर लाइक, ठीक है। अबेस यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा डिफरेंस है तीसरा चौथा में, यहाँ पे ABASH है, वहां पे ई था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। अबेस मतलब होता है शर्मिंदा या लज्जित, ये तो भर्ब है, और ये भर्ब 1 भर्ब 2 ये भर्ब 3 है, लेकिन एक और है अबेस्ड। अबेस्ड यहाँ पे इसका ये V2 आया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पांचवा हम जो लिए हैं अबेस्ड है, यहाँ पे अबेस्ड था भर्ब, लेकिन अबेस से ही बना V2 अबेस्ड, जो कि अबेस्ट एक क्या है, एडजेक्टिव भी है। आपको ध्यान इस बात का देना है कि अबेस्ट तो एक वर्ब है, और V1 इसका ये होता है, V2 ये होता है, V3 ये होता है। अब जो V2 अबेस्ट है, वही अबेस्ट यहाँ पे आया है, जो कि अबेस्ट, ये देखिए ये अबेस्ट क्या है, एक वर्ब है, और जो इसका V2 है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अबेस वर्ब हो गया, लेकिन जो इसका V2 और V3 है ना, वो एडजेक्टिव होता है। सब वर्ब में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा है, ठीक है। तो अबेस्ट अबेस्ट एक क्या एडजेक्टिव है, वही मैंने पांचवा नंबर में लिखने का प्रयास किया दोस्तों, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। अबेस्ट मतलब होता है शर्मिंदा या तो लजित, शर्मिंदा या तो लजित, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, एडजेक्टिव है। वह कुछ अपमानित दिखी, ठीक है, वह कुछ अपमानित दिखी, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है जो कि माथा नीचे किए, हमको लगेगा कि वह शायद अपमानित दिख रही है, मतलब अपने आपको लज्जित दिख रही है, ठीक है। तो सी लुक्ड रेदर अबेस्ड, ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन शर्मिंदा दिख रहा था। देखो उसको मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन वो शर्मिंदा दिख रहा था, ठीक है। तो ऐसे यूज में हम लोग कहेंगे ही सैड नथिंग, वो कुछ नहीं कहा बट लुकिंग अबेस्ड, लेकिन वह क्या दिख रहा था, तो वह क्या दिख रहा था, वह बिल्कुल शर्मिंदा दिख रहा था, मतलब लजाहट के टाइप में दिख रहा था, ठीक है। तो ये मेरा 5 मीनिंग था दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों, मुझे बिल्कुल आशा है दोस्तों कि आप इसे 5 मिनट के अंदर याद कर लेंगे दोस्तों, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे, जिससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और इस टाइप से और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, हर एक डिक्शनरी से खोजना पड़ता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा, बल्कि ये डिक्शनरी है दोस्तों, जिससे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और सारा चीज इस डिक्शनरी में ही नहीं दिया, बल्कि हमें और भी कहीं से ढूंढना पड़ता है, ठीक है, और खुद का भी हमें अपना नॉलेज भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।